व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू एश पेट व्लॉग। एंड आज आपको ये छत दिख रहा होगा जो आपने पहले देखा है, एंड आपको एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा, रॉकी। रॉकी यहाँ नहीं है गाइस, रॉकी इज नो मोर, रेस्ट इन पीस रॉकी। तो आपको दिख रहा होगा ये, एंड दिस इज माय न्यू पेट, एंड ये है रैबिट, ब्लैक एंड वाइट कलर में, और इसका नाम मैंने रखा है गोलू। ये हमारा न्यू रैबिट, एश पेट व्लॉग का नया हिस्सा। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये रैबिट मैंने मतलब एक हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट। ओ माय गॉड, कहाँ जा रहा है। हाँ, एक हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट, एंड ये रैबिट को मैं पेट कर रहा हूँ बहुत दिनों से। और ये आई थिंक, ओ नो 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 नो, ये मेरा दोस्त बन गया है, मतलब पहचान गया मेरे को, और आई थिंक सब कुछ सेट है। अभी आप इसके पास मस्ती देखो, ये क्या करता है, भाग गया, पता नहीं कहाँ भागा, ये देखो इधर आ गया। तो मेरे जिम इक्विपमेंट्स के साथ ये थोड़ा बहुत होता रहता है इसका इधर उधर पंगा। देख सकते हो ये है एक मेल रैबिट, और ये अभी एक बच्चा है, मतलब 3 महीने का लाया था मैं इसको, बहुत छोटा सा था, मतलब कुछ एक हाथ का था, और अभी भी एक ही हाथ का है। एंड इसकी बात करूं क्या भाई, बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा डरा डरा रहता है ये, और बहुत ज़्यादा वो रहता है, मतलब मेरे को पहचानता है, मेरे से नहीं डरता है, मेरे साथ फ्रेंडली है, एंड काटता वाटता नहीं है मेरे को। मैं उंगली लाता हूँ इसके नाक के पास, दिखाता हूँ, देखो देखो, सूंघेगा पहले मेरे को, फिर उसके बाद चाटेगा, ठीक है। अनजान लोगों को काट लेगा, लेकिन मेरे को नहीं काटता, मतलब मम्मी मेरे घर में जितने लोग हैं सब लोग अभी सेटिस्फाइड हैं इससे, मतलब ज़्यादा ये नखरे और पंगा नहीं करता, अनलाइक अदर एनिमल्स और अदर पेट्स। मतलब रैबिट पालना बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट एंड सबसे ज़्यादा आसान है पेट है आपके लिए, अगर आप फ्लैट घर में हो या अगर आपके पास छोटा रूम है तो रैबिट इज सबसे बेस्ट। एंड इसके मेंटेनेंस का खर्चा बहुत, मतलब ना के बराबर है, समझ लो खाने का खर्चा भी ना के बराबर है। हरे पत्ते सब्जी वब्जी दे दो, मतलब कच्चे ऑब्वियसली, एंड पानी कटोरा वटोरा सा इसका टेंशन ही नहीं है, समझ लो, मतलब रैबिट इज सबसे सिंपलेस्ट। एक भाग गया ए, हाँ यार, हाँ गोलू, गोलू देख रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सही लगता है। देखो एक ट्रिक कराता हूँ, देख रहे हो, और इसको पेट होना भी पसंद है मेरे से, मतलब ही डजन बॉदर कि भाई तू मेरे को पेट कर, मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे सहलाता हूँ ना उसके सर के ऊपर आराम से, ऐसे ऐसे तो उसको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, एंड ये पेट होना इसको पसंद है। यहाँ पे भाई एक दिक्कत है, इसको यहाँ पे आने का आदत हो गया, अगर यहाँ पे आ गया तो भाई एक गिर उड़ जाएगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। कहाँ गया भाई, इधर आ गया तुम, नहीं कहाँ गया, ये देखो इधर आ गया। हाँ मस्ती कर रहा है, इसका ये फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे इसको, मतलब रैबिट का क्या है ना, इसको अगर कवर मिल रहा है ना कहीं पे या फिर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो इसके उसके आजू बाजू ही रहना पसंद करता है, उसको पसंद नहीं कि भाई खुला में रहे, क्योंकि रैबिट एक प्रे एनिमल है, मतलब ये ना प्रेडेटर है, ये प्रे एनिमल है, मतलब इसका शिकार होता है, लोग इसको खा जाते हैं पकड़ के, एनिमल्स वगैरह पकड़ के, तो इन लोग कवर चाहिए इधर उधर ऑब्स्टिकल वगैरह में। देखो खड़ा होगा दो पैर पे, तो इसी से मिलाना था गाइस। ओए गोलू, तो गाइज़ रैबिट को यार आप लोग हमेशा
रखते हो तो, लेकिन ऐसे बंद जगह में मत रखना, केज में मत रखना, कभी कभी खोल देना। और खासकर इनको धूप तो दो ही दो। देखो जैसे धूप अभी ऊपर है तो सूरज है, तो अभी धूप निकला हुआ अच्छा खासा, तो हमने तो मेरे को मौका मिला, चलो धूप है तो इसको ले जाता हूँ ऊपर, मज़ा आएगा इसको भी। और मज़ा आ ही रहा है, तो इसको धूप चाहिए चाहिए, विटामिन डी जैसे ह्यूमंस को चाहिए वैसे इनको भी चाहिए। और रैबिट्स को भाई कचड़े वाले जगहों पे मत रखो, अगर आप रैबिट पालते हो मेरी तरह। इनको साफ क्लीन जगह पे रखो, एक अच्छा सा प्रॉपर केज ले लो, जो कि मतलब एक होता है ना ट्रे, लिटर ट्रे वाला, जो कि अपनी रिमूवल होता है वो, फिर आप उसको क्लीन करके वापस डाल सकते हो, तो उसमें रखो यार, क्योंकि ये लोग, ओ भाई ये पहली बार किया यार इसने, भाई ये पहली बार किया बिल्कुल, लॉल ऐसे ये पहली बार लेटा है, पता नहीं केज में शायद एक बार लेटा होगा लेकिन कंफर्टेबली नहीं, लेकिन ऐसे पहली बार लेटा है यार, मजा आ गया। और गोलू क्या हाल चाल आपके, आपको मजा आ रहा? देखो ये मेरे को पहचानता है, तो ना कोई भी एनिमल आप पालो, प्यार करो, उसको खिलाओ पिलाओ, तो आपको पहचानेगा, आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। अनजान लोगों से डर जाता है, और शोर शराबे से, जैसे ट्रैफिक व्राफिक और बहुत ज़्यादा भयंकर शोर आ रहा हो, दरवाजे वरवाजे का, भागने भूगने का, तो ये लोग डर जाते हैं, ठीक है। और इनके ईयर से यार इनको मत पकड़ा करो, मतलब मैं कभी कभी पकड़ लेता हूँ, लेकिन मैं मतलब ये कोने कोने में होता है ना, तो उसको ना हाथ से पकड़ना मुश्किल होता है, तो एक होता है ना कि भैया इसका ईयर आ रहा है, तो उसी से ऐसे पकड़ के ऐसे खींच के निकाल लिया, फिर पकड़ के उठा के ले गया, तो वही है भाई। और इनके पूंछ, और पूंछ पूंछ पूंछ, तो भाई यही था मेरा रैबिट एंड गोलू नाम है इसका। और बताओ यार आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पेट ब्लॉग में, तब तक के लिए यार पीस आउट, पीस आउट।